नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश गौरव की वंशावली। अगर कोई आपसे आपके पूर्वजों के बारे में पूछे तो आप सही सही जवाब नहीं दे पाते हैं, लेकिन एक गांव ऐसा है जहां के लोग आपकी पीढ़ियों का पूरा इतिहास बता देते हैं। इस गांव के लोग सभी वर्गों का इतिहास लिखते आए हैं। इस गांव के लोगों के पास समाज के हर व्यक्ति का जन्म से मृत्यु तक का संपूर्ण लेखा जोखा रखने की अनोखी परंपरा है। यह परंपरा है वंशावली लेखन, लेकिन आज यह परंपरा उपेक्षा का शिकार हो रही है। यह क्यों हो रहा है जानेंगे, देखते हैं गौरव की वंशावली। आपसे कोई पूछे कि आपके परदादा से पहले की पीढ़ी क्या करती थी तो शायद आप सोच में पड़ जाएंगे, लेकिन जयपुर के पास एक ऐसा गांव है जो आपको बता देगा कि आप किस जड़ से जुड़े हैं। एक ऐसी परंपरा जो आपको बताती है कि आप किन जड़ों से जुड़े हैं। पूर्वजों का अतीत बताने वाला गांव, वंश की जड़ बताने वाले लोग। बुजुर्गों का इतिहास बताने वाले लेख। वंशावली लेखन की गौरवशाली परंपरा। कौन किसका क्या लगता है, जब जड़ों में जाते हैं तो पेड़ के वजूद का पता लगता है। कब उसमें फूल आए, कब फल आए, पेड़ को किसने लगाया। जी हाँ, ठीक वैसे ही अगर आदमी के उद्भव को पता करना हो तो उसकी भी वंशावली की जड़ों में जाना पड़ेगा। पूरी दुनिया आज अपनी जड़ों में जाने के लिए बेताब है, लेकिन जा नहीं पा रही, क्योंकि उनके पास वो प्रणाली मौजूद नहीं है। भारत एकमात्र वो देश है जहां पर वंश लेखन की प्रणाली है। तो आज हम उसी प्रणाली की तह में जाने की कोशिश करेंगे और चलेंगे वंश लेखकों के गांव आसलपुर, वही आसलपुर जिसे लोग रावों की राजधानी भी कहते हैं। अपनी मर्जी से कहां अपने सफर के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर है उधर के हम हैं, वक्त के साथ है मिट्टी का सफर सदियों से, किसको मालूम कहां के किधर के हम हैं। कहते हैं अगर किसी इंसान को अपना इतिहास नहीं पता तो वो शख्स पशु के समान है। वही व्यक्ति जीवित समान है जिसे अपने इतिहास, कुल, वंश, धर्म और पूर्वजों का ज्ञान हो। जिसे ये ज्ञान नहीं, वो व्यक्ति मृतक के समान है। कि किसी आदमी को गोली से मार दो, वो आदमी नहीं मरेगा अगर उसका इतिहास जिंदा है तो। अगर उसका इतिहास जिंदा है तो वो आदमी मरेगा नहीं, वो मरने के बाद में भी अमर है और वो हमारी भइयों के अंदर अमर है। जिसका इतिहास है वो अमर है, लेकिन कैसे, क्योंकि ये इतिहास कोई और लिखता है। ऐसा ही एक गांव जयपुर के पास है जहां वंशावली लेखन की परंपरा है। ये गांव है जयपुर के निकट आसलपुर। आसलपुर की गौरवशाली परंपरा के बारे में जब हमने सुना तो इसके बारे में जानने की जिज्ञासा हुई। न्यूज 18 की टीम आसलपुर की ओर निकल पड़ी।
आसलपुर पहाड़ी पर विराजमान आशापुरा माता की गोद में बसा एक गांव है। ये वैसा ही गांव है जैसा हमने सोचा था। जब न्यूज 18 की टीम यहां पहुंची तो हम गांव वालों की आवभगत देखकर अभिभूत हो गए। देवी आशापुरा चौहान राजवंश की, अच्छा। उसी के नाम से आसलपुर गांव। अच्छा। नई पीढ़ी में काफी युवा है, सर्वभाषा कर लिया इतिहास। हाँ, थोड़ा फर्क ही आया है, रिकॉर्ड वाला अलग शब्द अलग होते थे। हाँ। तो वो है ना, इसलिए उस भाषा को नहीं पढ़ सकता। अच्छा, जो नई पीढ़ी है वो भी लिख रही है अभी? हाँ, नई पीढ़ी भी लिख रही है। अच्छा। लेकिन उसको सरल कर दिया वाले बात। आसलपुर रावों का गांव है जो कभी जयपुर दरबार से जागीरी के रूप में मिला था। यहां गांव के 80% लोग वंशावली लेखन का काम करते हैं। वंशावली लेखकों का बड़ा गांव होने के कारण इसे रावों की राजधानी भी कहा जाता है। व्यक्ति को अपने पूर्वजों का इतिहास पता रहे, ये सब वंशावली लेख में वर्णित होता है। वंशावली लेखन का कार्य सृष्टि के प्रारंभ से ही माना जाता है, लेकिन इनके जो चरण हैं उसमें पहले श्रुति फिर स्मृति, सुना गया, याद किया गया, और उसके बाद ये पुराणों में, जब लेखनी आई तब ये पुराणों के रूप में ये बदलता गया। सृष्टि की रचना हुई तब से व्यक्ति को स्वयं का ज्ञान रहे, इसके लिए एक ब्रह्मा जी के द्वारा एक अद्भुत व्यवस्था हमारे यहाँ पे चलाई गई थी कि व्यक्ति अपने गौरवशाली पुरखों का स्मरण बना रहे, प्राचीन परंपराएं, मान्यताएं, संस्कृति और सांस्कृतिक विरासत को सजोए रखे, इसके लिए वंशावली लेखन करने के लिए एक वर्ग को यह दायित्व दिया गया। आसलपुर गांव में हम लोगों से मिल रहे थे तभी पता लगा कि ग्रामीण हथाई में जा रहे हैं। हम भी गांव वालों के साथ हथाई में शामिल होने निकल पड़े। यहाँ के दृश्य को देखकर हम चौंक गए। ऐसा हमने क्या देखा जी आपको बताएंगे, बस बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन भवानी सिंह के साथ भंवर पुष्पेन चौहान, न्यूज 18 जयपुर आसलपुर। वंशावली लेखन मतलब आपका अतीत क्या है, आपके वंशज कौन थे, ये सब जानकारियां सुरक्षित रखते हैं वंशावली लेखक। देखते हैं कैसे होता है वंशावली लेखन। जी नरेंद्र कुमार साहब जी की दाता जी की पोती गंगाकर कुमार जी, पोती रानी देवड़ी कवर अगर स्थान कवर बाई चांस। वंश लेखन की अपनी एक प्रणाली होती है, अपनी एक लिपि होती है, वो लिपि जिसे सिर्फ वंश लेखक ही समझ सकता है, और उसको पढ़ने और उसके प्रदर्शन का भी अपना एक तरीका होता है। चलो आइए जानते हैं उस तरीके को। ये पोथियां बहियां और हुंडियां बहुत पुरानी हैं। जितनी पुरानी है उतना ही ये पुराना इतिहास बताती हैं। ये बताती हैं किसी का वंश, इतिहास और उसकी जड़ें। इस वंशावली को लिखने वालों की लेखनी का जादू है जिससे बुजुर्गों का एहसास होता है। वंशावली लिखने वालों का मानना है कि लेखन की परंपरा का सृष्टि के उद्धव से उदय माना जाता है। पहले तो एक सुरवा हुआ करता था, पिता के पुत्र, पुत्र के पोता, जैसे कवि छंदों के अनुसार, संस्कृत के श्लोकों के अनुसार उनकी यशोगान किया करते थे। बाद में धीरे धीरे कालांतर में जैसे समय के साथ में इसमें बदलाव आया और फिर ये लेखन की परंपरा भी बाद में चालू हुई। पहले सुनने के बाद में एक सुरवा हुआ करता था। वंश लेखन की इस परंपरा का सृष्टि की रचना के साथ ही उद्भव माना जाता है। कहा जाता है कि पहले यह परंपरा मौखिक और जनश्रुतियों के आधार पर रही और फिर कागजों में अंकित होकर लेखन की परंपरा बन गई और आज तक वो परंपरा जारी है। विभिन्न राज्यों में इस परंपरा के संवाहक अलग अलग वर्ग के लोग हैं। इन बही पोथी या हुंडी में लिखी गई भाषा को सिर्फ ये समझते हैं, आप और हम इस भाषा को नहीं समझ सकते। ये है कि ये वंश लेखक बिरदावलियां नहीं लिखते बल्कि सच्चा इतिहास लिखते हैं जो कई लोगों की गवाही के बीच लिखा जाता है। देखिए,
राजा महाराजा भी एक समाज का एक हिस्सा होते हैं, जहां समाज का नाम आएगा समाज की जाजम पे राजा महाराजा भी एक ही समान हो जाते हैं, क्योंकि जहां राजनीतिक में एक प्रतिद्वंद्वता होती है, आर्थिक में संपन्नता होती है और विज्ञान में परिमाणिकता होती है, उसी प्रकार से समाज का मुख्य गुण होता है समरसता। जब समाज की जाजम होती है उस समय चाहे राजा हो चाहे उनसे छोटे भाई हो, वो सब समाज की जाजम पे समरसता होती है। ऐसे में राव जी द्वारा जो इतिहास लिखा जाता है वो समाज द्वारा जो निर्मित कानून है उन्हीं कानूनों को ध्यान में रख करके बनाया जाता है और उसके लिए किसी को नहीं बख्शा जाता। अगर गलती की है तो चाहे वो हिजाइनेस हो चाहे आम राजपूत हो, सबके लिए समान नियम हमारी वंशावली परंपरा में लागू होता है। ये वंशावलियों की पोथियां हजारों सालों का इतिहास अपने में संजोए है। इसे लिखने की कलम दवाते भी सैकड़ों साल पुरानी है। वंशावली लेखकों और बिरतावली गाने वालों में फर्क होता है। वंश लेखन परंपरा की जब शुरुआत हुई तो सबसे पहले कलम की जगह ली मोरपंख ने। मोरपंख से वंश लेखन की प्रणाली शुरू हुई और उसके बाद धीरे धीरे लकड़ी की कलम और दवात ने उसकी जगह ले ली और अब पेन का इस्तेमाल किया जाता है। यही वजह है कि वंश लेखकों के पास आज भी हजार से सैकड़ों साल पुरानी तक की कलम और दवात मिल जाती है। बिरतावली से जुड़े लोग किसी भी कालखंड में राजा की तारीफ में ही लिखते थे, जबकि वंशावली लेखक वंश के उसी क्रम कालखंड अपने जजमान के व्यवसाय हालात तत्कालीन राज समय और विभिन्न चीजों का उल्लेख अपनी बहियों में करते हैं, जो सार्वजनिक रूप से ही लिखी जाती है और सार्वजनिक रूप से ही पढ़ी जाती है। खास बात यह भी है कि ये लेखक न सिर्फ राजाओं और सामंतों की वंशावलियां लिखते हैं बल्कि आम आदमी हर जाति और वर्ग के लोगों की वंशावलियां लिखते आए हैं। ये आज की नहीं है, ये अनादिकाल से जगत पिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की स्थापना से जुड़ा हुआ यह मेरा संपूर्ण राव समाज। कई बार हमारे को पढ़ने को मिलता है, कई इतिहासों में लिखा हुआ है, छपे के रूप में है, बर्मा बिरमल भाट हियो सतयुग में भारी, सूत राव सुरलोक पुराण नव दून प्रकाशी, पिंगल राव पाताल आप पमगेश उपासी, भयो जनक भव लोक सुपय कीरत विस्तारी, भारत में संजय भयो शोध विद्या सरसाई, चंद गंग बेताल मंगड़ भंगड़ दोहू दीन बीच दाखिया, नागान और सुरन नम्या पुनि राव चहु जुग राखिया। हमारा संपूर्ण राव समाज जो वंशावली की जो विदा को लिखता हुआ आ रहा है, ये जगत पिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की स्थापना से तीनों लोकों से लिखता हुआ आ रहा है। वंशावली लेखकों की इस परंपरा को उन्हीं के वंशज आगे बढ़ा रहे हैं। वंशावली लेखकों की वंशज वंशावली लेखकों की प्रथा का संवर्धन ही इसे आगे बढ़ा रहा है। हाल ही में राम मंदिर मुद्दे पर राम के वंश मामले में ये पूरा का पूरा वंशावली लेखक समाज आगे आया था और कोर्ट के समक्ष अपना पक्ष भी रखा था। राम के वंशज कौन का विषय जब आया था, फिर निरंतर उनके मानने वाले यजमान जो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में जयपुर राजघराना बोला, उदयपुर राजघराना बोला, कछावा वंश के वो शेखावत सरदार बोले, सबने ये कहा कि हम राम के वंशज हैं और ये सिद्ध हमारी भाइयों के द्वारा हुआ कि सूर्य वंश की ये वंशावलियां हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट तक मान्यता प्राप्त। ये वंश लेखक हरियाणा में जागा, राजस्थान में राव भाट, जागा बड़वा, गुजरात में बहिपंचा बारोट, मध्य प्रदेश में राव जी, उत्तर प्रदेश में दसौंधी, बिहार में पंजीकार कहलाते हैं। युवा वंश लेखक की इस परंपरा से दूर हो रहे हैं, इसके पीछे कई कारण हैं। क्या हालात हैं अब इस परंपरा के, किस हालत में है वंशावली लेखक, नई पीढ़ी का क्या है नजरिया, सब कुछ बताएंगे, बस बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन भवानी सिंह शेखावत के साथ भवर पुष्पेन चौहान, न्यूज 18 आसलपुर। वंशावली लेखन अद्भुत परंपरा है लेकिन अब ये खस्ता होती जा रही है। आसलपुर गांव पूरे देश में वंशावली संरक्षण को लेकर चिंतित है। वंशावली लेखकों की अपनी एक पीड़ा है, देखिए ये खास रिपोर्ट। देश में समाज के हर व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक का विवरण रखने वाली वंशावली लेखन प्रणाली अब उचित संरक्षण और संवर्धन के अभाव में रुक रुक कर सांस ले रही है। समाज के हर व्यक्ति का जन्म से मृत्यु तक का संपूर्ण लेखा जोखा रखने वाली वंशावली लेखन की अनोखी परंपरा
उचित संरक्षण एवं प्रोत्साहन के अभाव में अब दम तोड़ रही है। वंशावली लिखने वालों को अपने काम पर गर्व है। इनका कहना है कि वंशावली लेखन का पौराणिक महत्व है, लेकिन जागरूकता के अभाव से वंशावली लेखन उपेक्षा का शिकार हुई है। जेम्स स्टार्ड ने इस पर जागरूकता कम होने की वजह से उपेक्षा की शिकार हो गई। श्रीमद् भागवत गीता में भी वंशावली का प्रसंग आता है। इतना ही नहीं बल्कि कहा जाता है कि अगर किसी घर में पितृदोष हो तो वहां पर वंशावली वाचन उसका निवारण खोजता है। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया जीनोलॉजी की तरफ आगे बढ़ रही है और मेडिकल साइंस में जीनोलॉजी को अब मान्यता मिल गई। अब विज्ञान के युग में वंशावली का महत्व बढ़ गया है, क्योंकि ये किसी के डीएनए की पुष्टि करती है। वंशावली बताती है कि किसी शख्स के वंश का रिश्ता कहां कहां रहा है। सबसे बड़ी बात है कि वंश से अलग शादी करने वाला उल्लेख नहीं किया जाता है। वंशावली ऊपर से लेकर नीचे तक जोड़ती है और बताती है। कई जगह ऐसा होता है कि अगर दिगर जाति के अंदर शादी वगैरह कर लेता है तो उसे वो मान्यता नहीं देती है और न ही हम उसको लिखते हैं। हम उसी को लिखते हैं जो खानदानी नीचे से लेकर के ऊपर तक है, और दिगर जाति में शादी कर लिया उसको हम वंशावली में नहीं दर्शाते। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में वंशावली लेखन को महत्व नहीं दिया गया, जिससे इस परंपरा की उपेक्षा होती गई। भले ही मैकाले की शिक्षा पद्धति ने वंश लेखन प्रणाली की उपेक्षा की हो, लेकिन इतिहास गवाह है कि इतिहास के लेखन में वंश लेखन प्रणाली का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वंशावली राजाओं का इतिहास तो बताती है ही, वो देश के हर वर्ग और जाति के लोगों के वंश का भी इतिहास बताती है। हर वर्ग जाति को उसका इतिहास बनाने वाले वंशावली लेखकों को ज्यादा कुछ नहीं मिला। इनकी युवा पीढ़ी रोजगार की तलाश में दूसरे कामों में लग रही है, जिससे ये विधा उपेक्षा का शिकार हो रही है। इसमें हमारे ऊपर बहुत फर्क पड़ रहा है। ये वंशावली लेखन धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ये परंपरा खत्म होती जा रही है, कम होती जा रही है। इसका एक ही कारण है कि जो नई पीढ़ी के लोग हैं ये काम कम कर रहे हैं, और जो जजवान वगैरह है जो पढ़े लिखे हो गए वो गांव से बाहर कमाने के लिए चले गए। इस कारण हम लंबी दूरी पर पहुंच नहीं पाते हैं, इस कारण ये वंशावली का काम कम हो रहा है। हम इसके अंदर करीबन 200-300 साल का इतिहास तो हमारे पास रखा रहता है, और भी पुराना इतिहास हमारी पोथियों में रखा रहता है जो हम संजोए रखते हैं अपने पास। आज की युवा पीढ़ी इसमें कम इंटरेस्ट ले रही है, वो लोग इस मतलब ये चीज करने में श्रम महसूस करते हैं। वंशावली लेखकों का दावा है कि अगर वंशावली 8 पीढ़ी तक व्यक्ति को कंठस्थ करा दी जाए तो वह अपनी जड़ों की तरफ लौट आता है। न सिर्फ अपनी जड़ों की तरफ लौटता है बल्कि पड़ोसी देशों के साथ फैलने वाली विमर्शता को भी वंश लेखन प्रणाली समाप्त कर सकती है, क्योंकि सीमा के उस पार कई लोगों ने अपनी आत्मकथा में यह कहा है कि उनके पुरखे क्या थे, कहाँ थे, कैसे थे, और उसके बाद उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर अंदर ही अंदर विकसित हुआ। वंशावली लेखकों का कहना है कि वो ईश्वरीय कार्य समझकर ये लेखन करते हैं। अगर वंशावली याद हो तो पड़ोसी मुल्क भी अपनी जड़ों में लौट सकता है, जिससे वैमनस्यता की समाप्ति हो जाएगी। दो देश की सीमाएं जो राजनीतिक रूप से हो सकती है, शासकीय रूप से हो सकती है, पर किसी की बुआ लाहौर में रहती है तो किसी की मामी यहाँ रहती है, किसी का कोई मिलने वाला कराची में रहता होगा तो किसी का कोई काका यहाँ रांची में रहता होगा। अगर ये वंशावली लेखन विधा की स्थापना ठीक प्रकार से कर दी जाए, यानी वंश लेखकों का जन जागरण कर दिया जाए, तो मैं निवेदन करता हूँ कि सरकारी सीमाएं टूट सकती है, वंशावली लेखन विधा दिलों को मिलाती है। ये गौरवशाली परंपरा आज अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है, क्योंकि इसको सहेजने का बेहतरीन प्रयास नहीं किया। हमको इस विरासत के अस्तित्व को बचाना है। अगर ये परंपरा खो गई तो कहीं खो न जाए हम। कैमरामैन भवानी सिंह के साथ भवर पुष्पेंद्र, न्यूज 18, आसलपुर जयपुर। वंशावली लिखने की परंपरा हाशिए पर जा रही है। इस परंपरा को जीवित रखने वालों की अपनी पीड़ा है, दर्द है। अगर इस परंपरा के लिए आगे कदम नहीं बढ़ाए गए तो कहीं ऐसा ना हो कि हम खो जाएं।
हरण मंगल करण तो जय 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 जगदम्ब ब्रह्मपुत्री विश्वनाडो फिरे जी ने धूल में दीजे मिलाई करणी हरणी विघन रही है करणी करतार चिंता मेटन चारणी देश नोट कीरा दे माया दे उपदारिया होनी आशीष निराकार साकार सुमाया जग विस्तार जीवन जाने। वंशावली लेखन की अपनी लिपि होती है, इस लिपि को इसका लेखक ही समझ सकता है। वंशावली लेखक ही पढ़ सकते हैं और समझा सकते हैं। ये हमारी भाषा होती है, हाँ हम ही पढ़ सकते हैं। दूसरा उसमें कोई यानी उस भाषा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता, दूसरा उस भाषा को पढ़ नहीं सकता। हमारी लिपि है, हमारे माग जो हमारे जो पूर्वज थे मागध जी उनकी वो लिपि है। वंशावली लेखन की परंपरा को आजादी के बाद भी उचित सम्मान एवं प्रोत्साहन नहीं मिलने के कारण लेखकों का जीवन यापन करना ही मुश्किल हो रहा है। नई पीढ़ी वंशावली लेखन से मुंह मोड़ रही है, घर का चूल्हा जलाने में दिक्कतें होने लगी हैं। अब दिक्कत आई हो रही है कि धीरे धीरे कम हो रही है वंशावली को काम, तो वंशावली को काम कम हो बस फिर अब दिक्कत आ गई। माँ के तो स्थिति डोन होती जा रही है सर उन नंबर में, क्योंकि अब धंधा कौन रही है और जो मोबाइल चल गया है चल गया ना समाज में थे जानो दिक्कत तो आवाज है। अब बच्चा ने पाल लेना वही धंधो रोटी रोजगार तो सबने चाहो चे। तो दिक्कत ही हो रही थी कमाइन। अब मैं चाहो जग मैं मान सरकार की आड़ी मदद होनी चाहिए मैंने वो माँ के सात पीढ़ी को सात पीढ़ी की आई है माँ खानदानी चीज आई है सात पीढ़ी चलती आई है इसे रोजगार बना खा रहे हैं और आज सात पीढ़ी की लिखी जा चीज मान शादी ब्याह जमीन जायदाद कुआ कोठी जो भी काम हो माँ की वंशावली बने वो भी अगलो फसल सफल न हो सके ये जरूरी है। इसे कमार खा रहा है माँ का बच्चा बच्ची अब बेरोजगार हो गया जो काठी दुखी हो गया मान कोई आगे माँ की व्यवस्था में कोई सुधार ना आ रही हो तो बच्चा बच्ची पढ़िया लिखिया फरता फर रहा है। वंशावली लेखन का संरक्षण और संवर्धन सरकारी तौर पर हो तो दशा सुधर सकती है, क्योंकि जिस देश के इतिहास का हास हुआ तो उसका सर्वनाश हो गया है। आजीविका खत्म होती जा रही है धीरे धीरे, मतलब विशेष ध्यान देना चाहिए इनकी जो पुरखों की विरासत है उनको, मतलब जैसे हिस्ट्री मतलब संग्रहालय में रखी जाती है वैसे हमारी मतलब जो पोथी वगैरह है उनका भी ध्यान रखें, आम आदमी और गवर्नमेंट दोनों का ध्यान रखना, दोनों को ध्यान रखना है इस पे। वंशावली लेखन से जुड़े समाज चिंतित है, इनका मानना है कि लोग अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। वंशावली लेखकों की सरकार से मांग है कि इसके संरक्षण के लिए प्रयास किए जाएं। लोग इस संस्कृति के महत्व को नहीं समझ रहे हैं तो ऐसे में सरकार को आगे आना चाहिए। हमारे इन वंशावलियों का यह एक धरोहर है, यह एक पूरी धरोहर है। इस वंशावली के संरक्षण के लिए अगर सरकार आगे नहीं आएगी तो हमारी एक भारत की गौरवान्वित परंपरा धीरे 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 लुप्त हो जाएगी। वंशावली लेखकों की नई पीढ़ियां भी वंशावली लेखन का काम कर रही हैं। यह अलग बात है कि अब काम करने का थोड़ा प्रतिशत घट गया है, न सिर्फ राजा महाराजाओं बल्कि आम आदमी का भी वंश लेखन का काम किया जा रहा है। इससे न सिर्फ हजारों साल पुराना इतिहास नए रूप में सजाया जा सकता है बल्कि हर आदमी अपनी जड़ों की तरफ भी लौट सकता है। बस जरूरत है इनका हाथ थामने की, इनका हौसला बढ़ाने की, इस प्रणाली का संरक्षण और संवर्धन करने की। कैमरामैन भवानी सिंह शेखावत के साथ भंवर पुष्पेंद्र, न्यूज 18 आसलपुर। गौरव की वंशावली हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।